हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं अशोक का रिव्यू। आज हमारे साथ है ग्रैंड आइटन न्यूज़ 2023 न्यू फेसलिफ्ट वर्जन के साथ। जानेंगे इस पूरा वॉकराउंड क्या फीचर कंपनी ऑफर करती है, इस तरह की आपको की मिलती है, स्मार्ट की भी आप इसे कह सकते हो। बिल्कुल सामने आपकी रेड क्वीन या आपके हेडलाइट जो कि आपको प्रोजेक्टर में मिलती है, हाई और लो बीम के साथ। साथ में आपका टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ आपको डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी नाइट विजन में, सिल्वर क्रोम में हुंडई का लोगो। साथ में आपको ग्लोसी ब्लैक के साथ आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है, गाड़ी की लुक को और ज़्यादा चार चांद लगाती है। वहीं बात करें इस तरफ भी आपके हेडलाइट जो कि आपको बाई एक्सन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ काफ़ी अच्छा थ्रो नाइट विजन में। साथ में आपको टर्न इंडिकेटर यहां पर देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी नाइट विजन में। बिल्कुल सामने आपकी रेड क्वीन। वहीं बात की इस गाड़ी की चौड़ाई की जो कि आपको मिलती है 1680 mm गाड़ी की चौड़ाई। दो वाइपर मिलते हैं बिल्कुल सामने की तरफ। बोनट पर डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलते हैं, गाड़ी की स्पोर्ट जैसी आपको फील आएगी बिल्कुल सामने की तरफ। वहीं बात की गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, काफ़ी अल्टीमेट लगती है, रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। वहीं बात की गाड़ी के फ्रंट टायर साइज की जो कि आपको मिलते हैं 175/60R 15 in टायर साइज के साथ आपको डायमंड कट अलॉय। साथ में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलते हैं हुंडई का लोगो। आउटडोर ORVM की बात करें जो कि आपको बॉडी कलर में रेड कलर में आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपका टर्न इंडिकेटर। वहीं बात की गाड़ी के डोर हैंडल की जो कि आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलते हैं। साथ में आपको कीलेस एंट्री का भी आपको ऑप्शन मिलता है। वहीं बात की गाड़ी की लंबाई की जो कि आपको मिलती है 3815 mm गाड़ी की लंबाई। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें जो कि आपको अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ऑफ रोडिंग के मामले में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। वहीं बात करें रियर टायर की जो कि आपको मिलता है 175/60R 15 in टायर साइज के साथ आपको डायमंड कट अलॉय। पीछे के साथ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, इस तरफ आपकी ग्रैंड आइटन की बेजिंग। वहीं बात करें रियर प्रोफाइल की, काफ़ी देखने में अल्टीमेट लगती है, ओसम लगती है, जबरदस्त लगती है। वहीं बात करें इस तरफ आपका शार्प लुक एंटीना। साथ में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प स्पॉइलर के साथ। साथ में आपको रियर में आपको डिफोगर, रियर वाइपर या आपकी टेल लाइट जो कि आपको एलईडी सेटअप के साथ मिलती है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी नाइट विजन में। नीचे की तरफ आपको आस्था की बेजिंग। साथ में आपको ग्रैंड आइटन न्यू फेसलिफ्ट की बेजिंग पर भी आपको यहां पर देखने को मिलती है हुंडई का लोगो। साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपकी न्योस की बेजिंग। वहीं बात की इस तरफ भी आपके टेल एलईडी लाइट, काफ़ी ऑसम लुक मिलती है, काफ़ी प्रीमियम नैन्सी गाड़ी में आपको फील आएगी। इस तरफ आपके रिवर्स लैम्प, साथ में आपका टर्न इंडिकेटर। वहीं बात की इस गाड़ी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं दो, काफ़ी अच्छी ये आपके पार्किंग सेंसर। वहीं बात की इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जो कि आपको पेट्रोल में मिलती है 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ 21 km/L की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। वहीं बात करें रियर टायर की जो कि आपको मिलते हैं 175/60R 15 in टायर साइज के साथ आपको डायमंड कट अलॉय, काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ, काफ़ी रोड प्रेजेंस इस गाड़ी को काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। वहीं बात इस गाड़ी के बूट स्पेस की, अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है, 260 लीटर का बूट स्पेस, अच्छा सामान इस गाड़ी में कैरी कर सकते हो, रोड ट्रिप पे आप कहीं भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको बूट स्पेस के मामले में। पार्शल ट्रे, साथ में आपको कैबिन नीचे पीछे की तरफ आपको लैंप भी देखने को मिलता है, अंधेरे में आप सामान उतारने व चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेयर व्हील की बात करें जो कि आपको मिलते हैं
175R15 इंच टायर साइज के साथ आपको स्टील रिम मिलते हैं, साथ में आपका टूल बॉक्स। अब करते हैं गाड़ी को बंद। वहीं बात करें प्रॉपर इंसुलेशन, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है। इस तरफ आपका क्रैप हैंडल, कहीं भी कंपनी ने कॉस कटिंग नहीं की है। वैल्यू फॉर मनी के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें इस तरफ आपके डोर मेंटल पंप की फिनिशिंग, ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ आपको इंटीरियर मिलता है, लग्जूरियस इंटीरियर। इस तरफ आपके विंडो के पावर, साथ में आपको ग्रैप हैंडल, सिल्वर क्रोम लॉक अनलॉक के साथ 1 लीटर की बोल्टर होल्डर, साथ में आपको स्पीकर भी देखने को मिलता है। बेंच टाइप में आपको सीट कवर देखने को मिलते हैं, साथ में आपको लेदर का भी काम मिलता है, साथ में आपको फैब्रिक का अच्छा खासा। इस गाड़ी में आपको थाई कोड मिलता है, सीट में ट्रिकेटेड आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेगी। कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। अब चलते हैं रियर के अंदर। इस तरफ आपके एसी वेंट के कंट्रोल, मैन्युअली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ में आपका 12 वोल्ट का शॉकट, लेग रूम आपको अच्छा खासा मिलता है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरफ आपके ग्रैप हैंडल, सिल्वर क्रोम की फिनिशिंग के साथ विंडो के पावर, साथ में आपको एक ग्रैप हैंडल ऊपर भी देखने को मिलता है। इस तरफ आपका केबिन लैम्प, इस तरफ भी आपको एक ग्रैप हैंडल और देखने को मिलता है, 4 ग्रैप हैंडल के साथ। ये आपका पैसेंजर साइड इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट सीट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें गाड़ी का इंटीरियर, 6 एयरबैग के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, पुश स्टार्ट बटन के साथ। रेड क्वीन भी आप इसे गाड़ी को बोल सकते हो। वैल्यू फॉर मनी के साथ आपको गाड़ी मिलती है। इस तरफ आपकी कीलेस एंट्री का ऑप्शन, स्मार्ट एक्सेस कार्ड के साथ। वहीं बात करें ड्राइवर साइड डोर की, ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ इंटीरियर मिलता है। 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपके विंडो के पावर, ORVM फोल्ड अनफोल्ड के साथ, 1 टच डाउन 1 टच अप के लिए, क्रैप हैंडल, सिल्वर क्रोम लॉक अनलॉक के साथ, ब्ले और क्रोइक कॉम्बिनेशन के साथ आपको इंटीरियर मिलता है। इस तरफ की 1 लीटर की बोल्टर होल्डर, स्पीकर भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें ड्राइवर साइड सीट की, जो कि आपको 6-way मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से, बैक रेस्ट, बैक फॉरवर्ड अलग अलग तरीके से। अच्छा खासा इस गाड़ी में आपको थाई स्पोर्ट देखने को मिलता है। कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी नहीं कमी आएगी। लेदर के साथ फैब्रिक का भी काम आपको सीट पर देखने को मिलेगा। इस तरफ आपके फ्यूल टैंक रिलीज करने के लिए, इस तरफ आपके हेडलाइट के ऑप्शन अप और डाउन के साथ, इस तरफ आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, सिल्वर क्रोम में आपको ब्लो टाइप में आपको एसी वेंट मिलते हैं, मर्सिडीज जैसे आप ब्लो टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। 6 एयरबैग के साथ प्रॉपर इंसुलेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग्जूरियस इंटीरियर मिलता है, काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ। वहीं बात के इस तरफ आपका टच स्क्रीन स्टीरियो, 6 एयरबैग के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। ये आपका टच स्क्रीन स्टीरियो डिस्प्ले के साथ, जो कि आपको मिलता है 8 इंच का। ब्लो टाइप में आपको एसी वेंट, एयरबैग की बेजिंग, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है कंपनी ने। इस तरफ आपका कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। इस तरफ आपका स्मार्ट कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, साथ में आपको एसी वेंट के कंट्रोल, 2000 वार्निंग। एयर कंडीशन की बात करें, जो कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के मिलते हैं रियर फ्रंट के साथ। नीचे आपको USB पोर्ट, 12 वोल्ट का शॉकट, साथ में आपको सी टाइप चार्जर, बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ। इस तरफ आपका 6-5 गियर मैनुअली गियर लीवर, लेदर की स्टिचिंग के साथ कप होल्डर देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। मैनुअली हैंड ब्रेक, यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। यह आपका ORVM कैबिन के अंदर। सनवाइजर की बात करें, जो कि आपको वैनिटी मिरर के साथ एयरबैग की बेजिंग, इस तरफ आपके टिकट होल्डर देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपका माइक। वहीं बात की इस गाड़ी के स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की, टिल एंड टेलीस्कोप दोनों प्रकार से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। गाड़ी अपनी आ गई स्टार्ट, एनालॉग आपको मीटर देखने को मिलेगा। इस तरफ आपका RPM, इस तरफ आपकी स्पीड, बीच में आपको क्लॉक, ड्राइव इन्फो, टायर प्रेशर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन क्लॉक, बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ आपको गाड़ी मिलेगी। प्रॉपर स्टिचिंग के साथ लेदर का भी काम आपको स्टेयरिंग पर देखने को मिलेगा। इस तरफ आपके
वॉइस कमांड के ऑप्शन, मोड, वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल, साथ में आपको फोन कट और डाउन करने के ऑप्शन जो कि आपको ऑडियंस को कंट्रोल करता है। इस तरह आपके क्रूज के कंट्रोल, एमआईडी के कंट्रोल, कैंसल रीसेट ऑप्शन के आपको देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपके वाइपर के कंट्रोल, इस तरफ आपके हेडलाइट के एडजस्टमेंट के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपका टच स्क्रीन स्टीरियो जो कि डिस्प्ले 8 इंच को कंट्रोल करता है, स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ, ऑक्स रेडियो, एफएम, अनेक तरह की ब्लूटूथ कैपेबिलिटी के साथ, टिल एंड टेलीस्कोप दोनों प्रकार से आप सीट स्टेयरिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 6 एयरबैग के साथ ही आपका एनालॉग डिजिटल मीटर आरपीएम के साथ देखने को मिलेगा। वहीं बात इस गाड़ी के एयरबैग की, 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉपर इंसुलेशन, काई हाई डिसेंट आपको इंजन नॉइज देखनी पड़ती है, नामांतर इंजन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। अभी गाड़ी स्टार्ट है, आपको इंजन नॉइज बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इस तरफ आपके 3 पेडल स्टार्ट स्टॉप बटन ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। 3 पेडल आपको देखने को नीचे मिलेंगे। अब करते हैं बोनेट ओपन, अब बताएंगे गाड़ी की इंजन क्या परफॉर्मेंस दर्शाता है, इंजन की क्या परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल सामने आपकी रेड क्वीन। वहीं बात की इस गाड़ी के इंजन की जो कि आपको मिलते हैं 1197 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है 6 एयरबैग के साथ। वहीं बात की इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की जो कि आपको मिलती है 2 स्टार ग्लोबल एनकैप द्वारा सेफ्टी रेटिंग मिलती है 6 एयरबैग के साथ। वहीं बात करें गाड़ी के इंजन की जो कि आपको मिलता है 1197 सीसी का इंजन, 4 सिलेंडर इंक्लाइन 4 वैल्यू सिलेंडर DOHC के साथ। इंजन टाइप की बात करें जो कि आपको मिलता है 1.2 कापा का इंजन आपको देखने को मिलेगा। इंसुलेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी नामात्र इंजन नॉइज आपको देखने को मिलती है। बस यही सब फीचर आती है हमारी न्यू फेसलिफ्ट ग्रैंड आइटन न्यूज के आस्था वाले वेरिएंट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो